लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजमगढ़ में, काय बोल जहां रहे भू भैया जी? माफियाओं पर कार्रवाई की जगह पर गरीबों और दलितों के घर गिराए जा रहे हैं। ऐसे ही मामले के पीड़ित लोग महिलाओं और बच्चों के साथ आजमगढ़ के डीएम कार्यालय पहुंचकर अपने घरों को बचाने की गुहार लगाते नजर आए। का घर मकान जो बाप दादे का बना हुआ है, हम लोग हमारे पिता वगैरह जी रहते थे, अब उसको गिराने की बात चल रही है। जैसे चरागाह बताकर, गलत बातें बताकर लोग गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर चरागाह रहता तो हमारे बाप दादे पहले से ही नहीं बचते, लेकिन चरागाह को सब जमीन नहीं है। हम लोग मजदूर आदमी, मजदूरी करने वाले हैं, सुबह शाम मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पर्दा चलाते हैं। तो उसमें जो भी हम लोगों का मकान बना, वो प्रधान के जिम्मे से दी हुई कॉलोनी वगैरह सरकारी आवास मिला है, वही सब मकान हम लोगों के पास बड़ा भी जो भी नरियों भी कपड़ों भी है, कुछ पक्का भी मकान बना हुआ है, जो 35 से 40 साल पहले का जो नरियों को भी मकान उपस्थित है। हमारे पास उन सबों का सबूत भी है, फोटो भी है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके पूर्वज सालों से बंजर और पड़ती भूमि पर रहते आए हैं। घर बचाने की गुहार लगा रहे लोग भूमिहीन हैं और मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। जिससे हमारे सास ससुर रहते थे बहुत दिन से, अब हम भी रह रहे हैं उसमें। अभी हो रहा कि ये घर गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बार बार हमारे आते हैं, वहाँ नोटिस वोटिस आती है कि गिरेगी, तो हम कहते क्यों गिरेगी, क्योंकि हम बहुत पहले से रह रहे हैं वहाँ, अब कैसे गिर जाएगी, गरीब आदमी को कैसे उजाड़ा जाएगा। इस समस्या से हम आए हैं भैया कि अब हमारे बुजुर्गों लोग वहीं जगह पर रहे हैं, हम भी रहा थैला, और अब सुनाई दे रहा कि टूटेगा, तब हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएं, हमारे खेत गृहस्थी ना, हमरे कुछ भी ना, वही मेहनत मजूरी करके खाईला और रहीला, हमरे कुछ भी ना। काहे तोड़ जाता कि सब ये कहता है कि अथवा हुआ गौचर है ना बंजर है, और जब पुरखों लोग रह ले ना तो ना कुछ भयल। डीएम ने पीड़ितों को भरोसा दिया है कि उनका घर नहीं उजाड़ा जाएगा। डीएम के मुताबिक सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि परती और बंजर भूमि के गांवों और बस्तियों को न उजाड़ा जाए। देखिए, मैंने बात स्पष्ट है इसमें, यद्यपि व्यवस्था यह है कि जो सरकारी जमीन है, जो प्योरली गवर्नमेंट लैंड है, जो 132 की जमीन है, उसमें किसी को भी मतलब उसमें किसी को भी कब्जा अगर किसी ने किया है तो उसको नियमानुसार जो है बात दायर करके बेदखल करके उसे मुक्त कराया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी शासन के निर्देश हैं कि अगर कहीं पर कोई आदमी आवास बना के रह रहा है और पूरे मामले बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व है, पूरा गांव इन्वॉल्व है, या उसके पास एक ही घर है, तो ऐसे लोगों को मैंने तहसील से स्पष्ट कहा है कि वो किसी को उजाड़ा ना जाए और इनमें विधि संगत जो कार्रवाई है वो की जाए। डीएम के आश्वासन के बाद भी लोगों को डर है कि कहीं उनके आशियाने को उजाड़ न दिया जाए। इनका सिर्फ एक सवाल है कि अगर हमारे घर उजाड़े गए तो हम कहाँ जाएंगे। कन्या शादी बंद हो गया। राकेश वर्मा, आजमगढ़, जनमन टीवी।